the private sector, banks and other financial institutions who have risen to the occasion day after day through the pandemic to ensure continuity in provision of all essential services. Hello friends, आप देख रहे हैं newstrack.com और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कोरोना जैसे संकट के समय में कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसका ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है, जिसके बाद नया रेट 4% हो गया है। कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये तीसरी बार है जब आरबीआई ने राहतों का ऐलान किया है। सबसे पहले आरबीआई ने 27 मार्च को, उसके बाद 17 अप्रैल को कई तरह की राहतों की घोषणा की थी, जिसमें ईएमआई मोराटोरियम जैसे बड़े ऐलान किए गए थे। कोरोना से बने हालात पर एक बार फिर विचार करने के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। Once again, I wish to express our admiration for the doctors, the healthcare and medical staff, police, law enforcement agencies, functionaries and personnel of the government, the private sector, banks and other financial institutions who have risen to the occasion day after day through the pandemic to ensure continuity in provision of all essential services. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आएगी और यह निगेटिव रह सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती की घोषणा की। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी है। अगर आप पहले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि साल की पहली छमाही में महंगाई उच्च स्तर पर रह सकती है, हालांकि दूसरी छमाही में इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। तीसरी चौथी छमाही में ये 4% से नीचे आ सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर चिंता जताई और कहा कि वित्त वर्ष में ग्रोथ निगेटिव टेरिटरी में रह सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा झटका प्राइवेट कंजप्शन को लगा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का प्रोडक्शन मार्च 2020 में 33% घट गया, वहीं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट 30 साल के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही गवर्नर ने बताया कि एमपीसी की बैठक में 6 से 5 सदस्यों ने ब्याज दरें घटाने के पक्ष में सहमति जताई। इस फैसले से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के कर्ज पर ईएमआई सस्ती होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट क्रेडिट की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि खरीफ की बुआई में 44% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में दालों में महंगाई चिंता की बात रहेगी। इसके अलावा आरबीआई ने आयात निर्यात को बूस्ट देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट के परमिशन पीरियड को 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने के लिए कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन एक्सिम बैंक को दिया जाएगा। साथ ही सिडबी को दी गई रकम का इस्तेमाल आगे और 90 दिनों तक करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए newstrack.com के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।